वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरेशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे डॉल्फिन पर। डॉल्फिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से GS में, GK में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग इसकी कर देते हैं अनदेखी और क्वेश्चन फिर हमें आते नहीं हैं। तो एक आध क्वेश्चन नॉर्मली आता है, क्योंकि मैं बता दूँ यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ठीक है, वो गंगा वाला है। ठीक है, तो हम इस पर देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव में इसके राष्ट्रीय जलीय जीव के ऊपर पूछेंगे। कब डॉल्फिन बर्थ था वो पूछ सकते हैं, एक किस वर्ग से आता है, कितने प्रकार की जीव जाती हैं, भारत में जो डॉल्फिन पुस्तक का नाम है या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का आप नाम बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। डॉल्फिन पहला टॉपिक है हमारा, पढ़ेंगे हर पॉइंट। डॉल्फिन एक क्या है? स्तनधारी। डॉल्फिन क्या है? एक मैमल्स है। कौन सा? जलीय स्तनधारी, एक्वाटिक मैमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, डॉल्फिन भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है क्या? एक मछली है, एक आर्थ्रोपोड है, एक एकाइंडम्स है या एक मैमल्स है? तो क्या लगाएंगे हम इस पर? मैमल्स। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डॉल्फिन मतलब कोई मछली होगी, तो बता दूँ डॉल्फिन कोई मछली नहीं है, बल्कि समुद्र में पाया जाने वाला, नदियों में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का जलीय जीव है। और कौन सा है ये? स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय जीव है वो गंगा नदी मिलता है। अगला है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गोंगेस सुसु कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? गोंगेस सुसु। इसे नॉर्मल भाषा में सूस भी कहा जाता है। ये आप गंगा नदी में, यमुना में, ठीक है, देख सकते हैं। गंगा में, यमुना में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। ये सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं। समुद्र में जो डॉल्फिन होती है वो हवा में चलती है, जबकि यमुना और गंगा में जो डॉल्फिन है, जो गोंगेस सुसु है यानी कि जो सूस है, वो थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए बाहर निकलता है। जी हाँ, इनमें गलफड़े गिल्स नहीं होते हैं, बल्कि इनके सर के ऊपर एक मामूली सा होल्स होता है, छिद्र होता है, और जो कि एक विशेष प्रकार की पट्ट जगह होता है, उसी से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस लेने के लिए ही ये निकलते हैं बाहर पानी में। और हम सोचते हैं कि वो अटकेलियाँ दिखा रही हैं हमको, ऐसा नहीं है। तो जनरली भाषा में सूस कहते हैं। जैसे ही आप अपने घर में, परिवार में किसी से पूछेंगे सूस के बारे में, और लोग बाग आपको अच्छी खासी तरीके बता देंगे कि हाँ सूस को जानते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? गोंगेस सुसु। ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, गोंगेस सुसु। तो होता है डॉल्फिन पूछ दें या होते हैं पूछ सकते हैं कौन से? गोंगेस सुसु। तो फ्रेंड आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सूस बहुत याद रखने, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर सूस। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हुआ? वो हुआ है हमारा डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इसमें जो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ वो सबके सब क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एग्जाम में आएंगे। इस अब सोचेंगे मैमल्स हैं तो बॉडी पर बाल भी होते हैं, क्योंकि मैमल्स की क्या है? पहचान है बाल होना। तो क्या है? शरीर पर बाल तो होते हैं, लेकिन वो केवल इसके जन्म के 2 सप्ताह तक ही होते हैं। तत्पश्चात इसके जो बाल हैं वो शरीर से गायब हो जाते हैं, एक रेजिडुअल मैटर के रूप में हो जाते हैं। तो शरीर पर बाल होते हैं किंतु कब तक? जन्म के केवल 2 सप्ताह तक। इनकी आंखों में टैपेटम लुसिडम नामक एक विशेष लेयर होती है जो कि रात्रि में देखने में हेल्प करती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि रात्रि में देखने में हेल्प करने वाली जो लेयर है आँखों पर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैपेटम लुसिडम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नॉर्मली बन सकता है। डॉल्फिन काफ़ी बुद्धिमान होती है, इसका प्रयोग हम लोग सैनिक सहायता में और लोगों को बचाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल सैनिक अभियानों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये संपर्क कैसे करती है आपस में? दो सूस यानी दो गोंगेस डॉल्फिन या डॉल्फिन आपस में संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। ये आवाज़ नहीं निकालती, इन वेव्स के थ्रू ही बात करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार ने सन 2007 को, कब? सन 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था। ये आप याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? डॉल्फिन क्या है? एक एक्वाटिक मैमल्स है यानी कि जलीय स्तनधारी है। भारत में पाए जाने वाली डॉल्फिन क्या बोलते हैं? गोंगेस सुसु बोलते हैं। ठीक है, ये गंगा मिलती है। ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। और जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉल्फिन वर्ष कौन सा है? 2007।
या डॉल्फिन संपर्क कैसे करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट।